लड़के नहीं तो तू ही बात कर ले, मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। देख एक तो ना पता नहीं क्या है ये लिप स्मैकिंग मॉम मामा माम स्मोकी मामा क्या भाई, इधर रख साइड में रख। ये बटर चिकन है ठीक है, और फिर ये क्या है तो आज साफ सफाई के साथ में ये सब काम भी चल रहा है ठीक है। और फिर ना एक हंडी है बहुत बड़ी, और फिर लगता है इसमें चटनीज है और ऑनियन है, और फिर शायद होगा गुलाब जामुन समझी, और रोटी भी है शिफू ऑब्वियसली। बट तो काम स्टार्ट किए, सारा गंदा गंदा हर तरफ पड़ा है अभी। ये बेड की जो है चादर वो चेंज करनी है, ये जाला सा पड़ा है, इनके बाल सारे जमा के निकलते हैं, ये सब पड़ा है। मतलब आज भर भी हमारा यही काम चल रहा है सफाई का, और ये दोनों लड़ने में लगे हैं बंदर लोग, ये इधर और एक उधर बैठा है। तो और हमारी इधर सारा ही पसारा फैला हुआ है क्योंकि इनके ही बाल निकलने दूर साफ हो रही है। नेटवर्क से हट गया ये देखिए, ये तो बैठ की चादर होकर सारा काम हो जाएगा, झाड़ू लगा के बैठ की चादर भी बदलनी है। उतने में ये जो था ये लेकर आ गया, सारा तेरे लिए ही है, उसको सारा तेरे लिए पूछ ले। तो ये छोटी छोटी है, बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है। वन टू थ्री तुझे नहीं खाना तो इसके मुंह में डाल दे। चिकन तो ली नहीं, कोई नहीं रस्ता तो ली, मैं कट कर दूंगी। मत बहुत कोने में नहीं चला गया, चलो कोई नहीं सही। मामा क्या कहूँ मैं, कुछ तो बोलो मम्मी जल्दी बोलो, वीडियो चालू है कुछ तो बोलो। तो बोल के तो चालू कर बोल के तो चालू करना चाहिए ना, अभी मैं देख वही ना। ओप्स ओप्स नहीं स्टेपलर ला स्टेपलर ला। और ऐसे तो अब सब लोग मुझे ऐसी हालत में देख लेंगे ना, बाल बने तो क्या हुआ, ये नेचुरल ब्यूटी है। हाँ इसी से लोग, तुम्हारी जगह मैंने मेहंदी लगा ली देखो। देख हाँ तो फिर मैंने वो तो बोली नहीं, हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब, और सबसे पहले ईद मुबारक आप सबको। और मैं अभी तक ऐसी हालत में खड़े सिर्फ कपड़े जो नॉर्मली बदले हैं, और शुक्रमा बना रही हूँ क्योंकि आज बहुत सारे मसले हो गए ईद के दिन, तो अभी ये बना रही हूँ और ये फटाफट बन जाएगा। तो फिर मैं सोचा था ब्लॉग फिर स्टार्ट करूँ, अगर ये है ना पीछे से ब्लॉग स्टार्ट कर दी इसलिए मेरा लेकिन कोई बात नहीं, बहुत अच्छा हो गया भी। तो स्टेपलर ढूंढ रही हूँ इसको मारने के लिए, बस से तोड़ रहे इसमें, तो ये वैसे ठीक होगा पता नहीं क्या होगा, तो इसलिए। और अब बस काफ़ी आ गई तो सुबह से उठ के काम में लगी हूँ। गड़बड़ी क्या क्या हुई है हमारे साथ में, मतलब आज ईद वाले दिन, तो वो मैं बताऊँगी। जो गड़बड़ी मगरिब से कल चालू हुई थी चांद रात से, तो और ईद मुबारक चांद मुबारक एडवांस में मैंने दे दिया था आपको, मतलब बोल दिया था, और अभी फिर बोल रही हूँ ईद मुबारक। और ये मेरी छोटी सी सेंधी वालों की जो कि अंदर से अंदर कर रही हूँ, वो जाती नहीं है। चलिए फिर अभी बनाने लगी हूँ सेविया, तो उसी में लगी हूँ, तो ज़रा मैं बात नहीं करी वहाँ की, पहले यहाँ काम हो जाएगा। फिर मैं आपको वो दास्तान बताऊँगी जो सवेरे से घट रही है, और मूड थोड़ा सा ऑफ हो गया बस, आप अभी सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह।
कपड़ा पहन लिया इसमें, अब वही मेहंदी अभी लगानी है। मैं सोच रही हूँ अभी के लिए जाके आ जाऊँ, फिर रात में लगाऊँ और लगाएँ कभी भी क्या फर्क पड़ता है। तो इसलिए तो फिर के लिए रात पहले कमी क्या और लगा के आ जाऊँ, क्योंकि वहाँ दावत है। तो फिर उसके बाद में घर पर आने लगे। ठीक है, तो अभी पहले इसको मतलब पका देती हूँ, फिर प्यारी प्यारी सेवियों की मेरे सेवियाँ शीर शर्मा, तो ये प्यारी सी शक्ल दिख रही होगी आपको भी। तो हो गया, बस इसको उबालना बाकी है, उबालना यानी उबाल आ जाएगा तो ये हो जाएगी। तो आज मैंने कुछ इसमें मतलब सेवियाँ पहले खोआ डाल के बनाती थी, तो मतलब अच्छी यानी अच्छी बनती थी। बादाम हो गया, पिस्ता हो गया, खोआ हो गया, घी से बघार हो गया, सारा मेवे डाल के। और इस बार मैंने इसमें कुछ अलग थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर दिया है। ये क्या करोगी? तो इसमें मैंने कस्टर्ड पाउडर डाला है आज, पता नहीं क्या बनेगा कैसा बनेगा मुझे नहीं मालूम, क्योंकि खोए के बदले में मैंने कस्टर्ड पाउडर डाल दिया है इसमें। अब ये जब उबल जाए, जब ये थोड़ा ठंडा हो, जब मैं इसको सर्व करूँ तो खाकर पता चलेगा कि ये किस तरह का यानी बन गया है खीर खोलना, किस तरह का बना। क्योंकि पहली मतलब कस्टर्ड पाउडर यूज़ किया है मैंने, इससे पहले खीर में यूज़ किया था। जब मेरी बहन ने मुझे बोला था कि बहुत अच्छी खीर और वक्त में कहते बहुत अच्छी बनती है, तो मैंने इधर भी वही किया भी। लेकिन पता नहीं, पहली बार मैंने खोए वाला हमेशा बनाती थी, बहुत अच्छा बनता था। और अब की बार में कस्टर्ड पाउडर के साथ मिक्स में ये बना रही हूँ, दुआ कर रही हूँ कि अच्छी बने, सबको पसंद आ जाए। तो ये जोशी आने लगा, देखिए जोशी आने लग गई। तो ये मेरा काम हो गया, क्योंकि दावत आज मैं कुछ बनाए नहीं, दावत मम्मी के यहाँ पर है, तो इसलिए मम्मी के इधर जाना है हमको खाना खाने। तो आज दिन भर से लेकर रात तक की दावत वहीं पर है, तो वहीं पर जाया जाएगा। और अगर वीडियो शूट करने का मौका मुझे मिलेगा तो वहाँ पर शूट करूँगी। क्योंकि अभी मैंने इतना कुछ बताया नहीं किसी को कि मैं यूट्यूब यानी वीडियोज़ बनाती हूँ यूट्यूब वगैरह पर, मैंने इतना कुछ शो नहीं किया, क्योंकि अभी मेरे सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा कम है, यानी कि 100 में ही था। हाँ बोल बच्चे, हेलो, वालेकुम सलाम, जीता रहे। मुबारक हो तुझे भी, मुबारक तुझे भी। अभी छुट्टी कब मिलेगी देखो? अच्छा, वैसे भी बहुत छुट्टी ले लिया लगता अभी तूने, तो ऐसी छुट्टी बहुत ज़्यादा हो गई, तो अब बाद में ही मिल सकती है ना। हाँ हाँ, तो वही वो फिर तू ही पकड़े जाएगा उस दिन में, क्योंकि इतनी छुट्टी लेंगे वही वही, तो फिर तुम्हारा जैसे त्यौहार रहेगा तो फिर तू छुट्टी पे रहेगा तो कोई और कर लेगा तेरे बर्थडे। ठीक है, तो कितने अभी इसके बर्थडे में ही आएगा वो दिन ही। ठीक है, फिर तेरा शीरकुरमा मैं बना के रखूँगी, जैसे आज तो बना ली, फिर तू आएगा तो मैं तैयार करके रखूँगी सीम। ठीक है, तो कहाँ अभी जॉब पे है? अच्छा अच्छा अच्छा, इससे बात करने का नहीं, तेरे बर्थडे पे आएगा। अरे सॉरी,
तो सॉरी फ़ोन करी, फ़ोन देने के बाद मैं भूल गई कि मैं नहीं चालू कर सकता, मेरा ब्लॉग चल रहा है। तो ये बन गया है मेरे सिर में, अब इसको मैं ठंडा होने के लिए रखा हुआ ठंडा होने दे रही हूँ, जबकि मम्मी के यहाँ जाने का टाइम भी होने लगा है, मतलब 1-1.5-2 बजे तक हमको जाना है, वरना वहाँ से भी फ़ोन आने लग जाएंगे। और ये सिर्फ में बन गया है, तो अभी ठंडा करने के बाद सर्व करूँगी या फ्रिज में रखूँगी इसको। तो अभी जब बन के तैयारी हो गया तो आ जाएगी मैं यूट्यूब फैमिली आपको बतावाते हैं हमारे साथ ये सिर्फ खुलवा खाने, हालांकि मैं खिला नहीं सकती हूँ, ये मेरी मजबूरी है। तो मैं ये बोली थी, हम यही बात कर रही थी कि कौन आ गई। तो ये है कि अभी मेरे सब्सक्राइब भी मतलब उतने गेन नहीं हुए हैं, बट 83 है मेरे ख्याल से। शायद से मेरा ब्लॉग नहीं अच्छा बनता या लोगों को नहीं पसंद आता, वो मुझे नहीं पता। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ, बाकी तो ऊपर वाली खा तो खैर, और आप जैसे जनता जनार्दन है उसके हाथ में, उनके हाथ में होता है, तब तक मैं यूट्यूब फैमिली जो भी है फिर कोई बात नहीं, सब्सक्राइब किया नहीं किया जिसने वीडियो ऐसे देख रहे हैं मेरा, मतलब मैं तो सबसे मतलब के लिए सबसे हमारा प्यार है, ऐसे नहीं कि कोई जिससे सब्सक्राइब किया उसे नहीं सब्सक्राइब करने वाले को मैं करूँ, तो ये नहीं है। सबके लिए ये वीडियो वगैरह बनते हैं, चलो मेरी मोहब्बत तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि यूट्यूब फैमिली है, फैमिली बनाए तो फैमिली में सभी मोहब्बत रहती है। तो इस तक किसी सब्सक्राइबर अभी नहीं तो बढ़ेंगे ऐसे ऐसे, कोई जल्दी नहीं है, मगर जो शौक है वो मैं पूरा करती रहती हूँ, तो ऐसी कोई बात नहीं। और इस वक्त मैं बहुत भयानक दिख रही हूँ मेरे ख्याल से, उस वक्त में मैं बहुत ज़्यादा बाल नहीं बने, उजड़ी, पता नहीं आपने ईद में ऐसे किसी को देखा कि नहीं, मगर हम ईद में इस तरह ही मिलते हैं, ऐसे ही मिलेंगे हम ईद में, क्योंकि हम इतने बोर होते हैं, मतलब कान में पहनने से, चुड़ियाँ पहनने से, ये जो पहन लिया नहीं कि कपड़े, बाकी सब चीज़ें हम इतने बोर होते हैं, दरी वाले कपड़े हो गए या कान में बड़े बड़े हो गए और झुमके वगैरह बालियाँ वगैरह, तो रिंग कुछ नहीं, बस ऐसी सिंपल यही है अच्छा, और कपड़े में जिसमें कोई टिकली दरी कुछ भी नहीं, तो ऐसे ही ठीक हो, ऐसे ही सुकून है। तो फिर से मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में, अभी अगर मम्मी के जाने का रहा तो तैयार होना पड़ेगा, तैयारी के बाद ही मिलती हूँ। तो अभी इतना फैलाया नहीं यूट्यूब का, मैंने सोचे सब्सक्राइबर्स गेन हो और मतलब मेरी यूट्यूब फैमिली बढ़े, तभी मज़ा आए किसी को बोलने में कि मैंने यूट्यूब अपना चैनल खोला है, वरना तो मज़ा नहीं आएगा। और आपको अगर मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हो तो आप लाइक या सब्सक्राइब कर सकते हैं, यही कहूँगी। और मैं कहती बहुत कम हूँ ये सब, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता बार बार ऐसे बोलने, तो मैं अपना काम की जा रही हूँ, जैसे फिर एक आगे बढ़ना होगा तो बढ़ जाएंगे सब्सक्राइबर, नहीं तो कोई बात नहीं, इतने में भी खुश हूँ। ठीक है, तो मिलती हूँ छोड़ दूँगी कचड़ी जेनू, देखो देखो भूखा आ गया मुझे, चलो देखो। तो ये आज ईद की एक दिन छुट्टी मिली, तो मेरी पापा एक दिन में ही बीमार, कल अचानक में आई उसको सर्दी जुकाम फिर से, अभी थोड़े दिन पहले होके गया था, फिर सर्दी जुकाम और बुखार, और अभी भी बुखार, तेज़ बुखार है, मगर टेबलेट उसने खाई है आधी अभी, क्योंकि डॉक्टर की दवाई मंगवाई थी पर अब डॉक्टर तो है नहीं, आजीद है, तो वही वो पड़ी है, अभी बुखार फिर लग रहा है मुझे तो अल्लाह करे बस जल्दी से ठीक हो जाए। तो इसने आज की छुट्टी इसको मिली थी, ईद की इसने कल की भी ली बोल के, अब देखते हैं इंशाल्लाह उतरे, फिर इसको टेबलेट खिलाती हूँ कुछ खा के थोड़ी देर के बाद में, लगता नज़र लगेगी मेरी बच्ची के शरीर है। जैसे कि मैं आपको बता रही थी इससे पहले कि मम्मी के यहाँ जाना था, हमारी दावत थी वहाँ पर, सभी की दावत थी और छुट्टी वाली की मेरी, लेकिन नहीं जा सके हम सब साथ में, खाली मैं और मेरी बड़ी वाली गए थे, और इसकी तो कल जॉब से आई, उसके बाद से रात में से इसकी तबीयत ख़राब हो गई, सर्दी जुकाम, अभी पहले हुआ था कुछ मतलब 15 दिन महीने भर पहले हुआ था, और अभी फिर अचानक में हो गया, समझ में नहीं, जॉब पर से आई वैसे इसके बाद में रात की तबीयत ख़राब हुई इसकी, और अभी भी तेज़ बुखार है, दवाई मतलब डॉक्टर आज ईद है तो डॉक्टर तो हमारा वाला जो डॉक्टर है, हमारे वाले डॉक्टर वो नहीं है, तो उनको भी तो एक दिन मतलब ईद की छुट्टी मनाना उनका बनता ही है वैसे भी, तो मशाल से उनकी दवा लग जाती है, तो अभी बड़ी वाली वही देखने को गई है, तो वहाँ पर डॉक्टर नहीं है, तो वो शायद कल या परसों में आएंगे, पता नहीं कल फिर देखने जाना है। तो जॉब की उसने एक दिन की और छुट्टी अभी फोन करके ले ली है, मैंने बोले जॉब की छुट्टी ले आराम कर उसके बाद में, तो यही मम्मी के ही चले गए थे, और फिर वहीं बैठे थे काफ़ी देर, फिर ये अकेली थी घर में, तो 4 बजे तक लौट आए, और इतनी तेज़ धूप थी कि बहुत हालत ज़्यादा ख़राब हो गई,
अभी तक थकन जैसे लग रहा है, इसलिए बहुत काम है, लगे कोई काम नहीं हुआ। ऑटो में मिली थी, ऑटो वहाँ से आते वक्त ऑटो की इतनी परेशानी है ना कि ऑटो बिल्कुल मिलती ही नहीं, यहाँ से मिल जाएगी वहाँ जाने के लिए, वहाँ से वापसी के लिए नहीं मिलती। तो आज हालांकि काम कुछ ज़्यादा नहीं किया, सवेरे से दावत तो वहाँ थी, वहाँ खाना खाने गए थे, यहाँ सिर्फ मैंने सेवैयाँ बनाई। उसके बाद में मतलब ऐसा लग रहा था कितने थके हुए, एक धूप की वजह से ऐसे लग रहा है बहुत थके हुए ज़रा। तो अभी इस करके मैं धूप को अवॉइड करती हूँ, ज़्यादा निकलती हूँ धूप में, क्योंकि मुझे आदत भी नहीं है, और हम में से किसी को आदत नहीं है, और कपड़े भी नॉर्मली जैसे ईद आपको लगेगी नहीं कि हम ईद बना रहे हैं। हाँ ये है कि मैं गई थी, मैंने बोला था कि मैं मेहंदी लगाऊंगी जाऊंगी, तो उसके बाद मैं गई थी तो मैंने बहन से मेहंदी लगवाई, मतलब एक हाथ नहीं, सेकंड में नींद इतनी आने लगी कि मैं वहीं लेट के उसने ये लगाया है। हालांकि डिज़ाइन कोई नहीं पीछे से, फिर भी थोड़ी डिज़ाइन मतलब बना दी जो भी थोड़ी यहाँ से यहाँ तक, और बड़ी वाली ने बनाई, बड़ी वाली लगाई उसको चढ़ा कलर, मुझे चढ़ गया, ये छोटी वाली को बहुत पसीना आता था तो उसको इतना ज़्यादा चढ़ा नहीं, तो खैर इंशाल्लाह फिर लगा लेगी वो। तो इस तरह ये बस लगाया गया, और जो मैंने कपड़ा डाला था बस वो मतलब मुझे ऐसा लगा कि फिट लगा, टाइट है, तो उसको भी मैंने उतार के रख दिया, और नॉर्मली जो मेरा था नॉर्मल था जो मेरा एक रखा हुआ तो मैंने वो पहन लिया, क्योंकि ये कम्फर्टेबल है। तो इस तरह गई हमारी। और हाँ, जो मैं बताने बोल रही थी आपको, मतलब मैंने बोला था कि मैं बताऊँगी क्या क्या हुआ, तो ऐसा हुआ कि कल से सुबह में दूध मंगाया गया था, तो पावर सुबह में आया हमारा ब्रेड वाला, तो बच्ची मेरे से पूछ ही रही थी 6 बजे सुबह या 5 बजे, मुझे याद भी नहीं कि कितना लेना दूध, कितना लेना है, लेकिन उसको बोल दिया गया था मतलब 3-4 लीटर का। तो पूछते पूछते में वो हमारा ब्रेड वाला पहले चला गया, फिर ब्रेड नहीं मिला, फिर भी सवेरे चाय बनाई, सेवैया ला के उससे पहले रख दी थी, तो वो तो बन गई थी बाद में। तो पहले की बार तो ब्रेड वाला चला गया, सेकेंड टाइम पानी जो 7 बजे आता है वो आज सुबह 6 बजे ही आ गया, और हम 7 बजे उठे, 7 बजे फिर पानी जब चालू किया तो वो तो 6 बजे आके जा चुका था, सारे भर चुके थे और हम रह गए, तो पानी बिल्कुल नहीं था हमारे, मतलब बहुत थोड़ा सा टैंकी में था। तो वो एक फिर और ही कितनी बोरिंग बातें, पता नहीं कि हाँ बराबर ये कि आज सैटरडे था, ऐसे तो कोई होटल नहीं, शनि हम पे भारी रहता है, वैसे तो हर दिन भारी था लेकिन शनि सबसे ज़्यादा भारी रहता है। तो ये हो गया सुबह से, दिमाग बिल्कुल ऐसा बहुत डिस्टर्ब था, काबू में नहीं था दिमाग, एकदम दिमाग ख़राब था हल्की थी। फिर एक सिलेंडर हमने मंगवाया, क्योंकि एड्रेस चेंजिंग का थोड़ा सी मतलब सिलसिला है, तो हमने सिलेंडर मंगाया वो तक अभी तक हमारा आया नहीं, अब पहले एड्रेस चेंज होगा फिर सिलेंडर आएगा, तो दिमाग सारी बातें मेरे बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ कल से। और बस अब जब पानी सेकंड टाइम आया है, 8:30 बजे बोला गया था कि पानी आएगा, तो सेकंड टाइम जब पानी आया है तो फिर दिल को बहुत ज़्यादा सुकून मिला है कि पानी भर गया, तो एकदम सर से भारीपन और टेंशन थोड़ी खत्म हुई, और बहुत अच्छा अच्छा फील हो रहा है। अभी सुबह से अच्छे अच्छे फील नहीं हो रहा था, हर चीज़ पर दिमाग ख़राब हो रहा था, और एक तो मेरी बच्ची की तबीयत ख़राब है, तो फिर और ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है। तो अभी भी सेकंड टाइम हो गई तो इस कर दी, और बस कुछ नहीं, फिर वही नॉर्मली काम, ईद इतना चिल्लाने के बाद ईद कब आती है और कब जाती है वो पता नहीं चलता, वो तो हमको मालूम है, ईद आती है यहाँ से आती है यहाँ से निकल जाती है, और उसके पहले से बहुत शोर होता है ईद का, तो ईद ऐसे चली जाती है, और हमारी ईद इतनी ही गड़बड़ी भरी हमेशा जाती है। तो बस और तो कुछ नहीं कहूँगी, आपकी भी सारों की ईद अच्छी गई होगी, मतलब हमारी तो गड़बड़ी वाली गई, आप सब के हो कि अच्छी गई होगी और अच्छी ही जाना चाहिए, हमारी भी ऐसे हम दुआ करते हैं। और बाकी फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं, अब हो गई रात, तो बिना कुछ किए हम थक गए हैं, वो तो बेचारी बीमार हो गई, हम तो थक गए बिना कुछ करे, धूप में मतलब जाके वहाँ से आने तक, क्योंकि ऑटो नहीं मिलती तो पैदल ही आना पड़ता है, भले दूरी पर से ही पैदल आए, तो बहुत हालत मतलब बुरी, उस टाइम हो गई थी, अब तो नींद ही आ रही। तो यही कहना चाहूँगी फिर कि आप भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, मैं यूट्यूब फैमिली फिर मिलती हूँ इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में, ये ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।